कैसे खाने का करेंगे आप? बिस्किट और जैम में। बस बिस्किट से आप यूपी तक चले जाएंगे? कुरला से। कुरला से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? प्रतापगढ़ ऑटो लेके जा रहे हो? ऑटो लेके जा रहे हो। लेके गए उससे पहले यूपी? नहीं लेके गए, कभी ऐसा मुसीबत ही नहीं आए तो लेके कहाँ से जाएंगे? कोई सर से आ रहे हो, वहाँ से साइकिल से आ रहे हो? हाँ साइकिल से आ रहे। यूपी तक जाओगे? जाएंगे। 1400 किलोमीटर जाएंगे? पहुँच जाएंगे। नहीं पहुँचेंगे तो क्या करें, यहाँ भूखा मरे? ऐसा देखिए, सरकार को नहीं दिख रहा है। अगर हम बोलते हैं एक जिला की गाड़ी अगर जिसका अ से नाम है 1200 आदमियों को नियुक्त करता उनको मैसेज दे करके तो वही 1200 टर्मिनल पे जाते, बाकी कोई फालतू आदमी जाता नहीं। इस सिस्टम से छोड़ता तो रोड की हालत होती, कोई टचिंग में नहीं आता। अब कोई टचिंग से बचा है, सरकार नहीं देख रही है। इतना दूर कितना किलोमीटर आपको मालूम है? हाँ भैया, 1400-1500 किलोमीटर के ऊपर है। 1400-1500 किलोमीटर है? हाँ। छोटा रास्ता है? अरे छोटा तो नहीं है, धीरे धीरे जाएंगे। कहाँ का पहुँचने का हौसला है? पहुँच जाएंगे। पहुँचने का हौसला है, पंप वंप सब साथ है, जहाँ सब साथ में लेके सब साथ में। कहीं आपको बॉर्डर पे कहीं रोका जाएगा? देखेंगे, जिधर रोकेंगे राशन पानी ले आऊँ उधर ना खा लूंगा। कहीं रिटर्न कर दिया तो? रिटर्न जाएंगे ही नहीं, अभी कुछ भी होएगा उधर भी नहीं है, अभी रूम उधर भी खाली करवा दिया। पैसा जी, मैं पनवेल कलमबोली से आ रहा हूँ। अच्छा, अभी किधर जा रहे हो? अभी मैं झारखंड जा रहा हूँ। झारखंड जा रहे, कैसे जाएंगे? ये अभी तो कोई उपाय नहीं है, इसी तरह जैसा भी हो जाए उपाय उसी तरह चले जाएंगे। क्यों जा रहे हो, जाने के पीछे कोई रीजन? जाने के पीछे रीजन ये है कि हम लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं था रहने सहने का और खाने पीने का, तो इसके लिए मैं सोच रहा था कि अपने वतन किसी तरह हम लोग चले जाएँ, अपने बाल बच्चे के साथ रहें। यही हम जो भी व्यवस्था हो रहा है अपने जेब से ही करके जा रहे हैं। अभी आप कितने दिन में पहुँचोगे झारखंड? अभी तो नहीं मालूम है, अभी आगे का प्रोसेस चालू है, अभी 2 रोज हो गया यहाँ तक पहुँचते। सरकार के तरफ से 1 रुपये की मदद नहीं मिली, 2-4 दिन खिचड़ी गई थी जिसमें चावल पीला था, दाल नहीं थी। अच्छा, वो खिचड़ी सरकार ने ट्रेन चालू की थी? नहीं, ट्रेन से क्यों नहीं? ट्रेन कहाँ, कहीं नहीं चालू। सरकार का इंतजार करते करते 22 फार्म भरते 22 मार्च से आपने फॉर्म भरा था? फार्म भरा था, पुलिस चौकी में डाला, नगर में भी गए थे। बम्बई से। अच्छा, आप अभी कहाँ जा रहे हो? बनारस में पैदल जाएंगे। अभी पैदल गांव तक पैदल जाएंगे? हाँ। बच्चे हैं, सारी परेशानियाँ, खाना खाने को नहीं होता, खाना बनाया हुआ खाने का मन नहीं करता। तो पर जाएंगे तो कैसे खाना? वहाँ तो कम से कम गांव में जंगल का घर है, वहाँ रह लेंगे। साइकिल यूपी पहुँच जाएगी? अब देखिए, कोशिश करते हैं। साइकिल तो इतनी पंचर पड़ी, आप साइकिल लेके जा रहे हो? अब देखो भाई, हो सकता है योगी सरकार है वहाँ से, कुछ उम्मीद है उससे? देखेंगे क्या है क्या नहीं, हम तो यहीं हैं 8-9 महीने से। यूपी के लिए तो ट्रेन भी चालू हुआ था, आप गए नहीं? ट्रेन नहीं चालू है, ट्रेन तो बस ऐसे चल रहा है। ऐसे चल रहा है? हाँ। तो बोल रहे हम सब सुविधा आपको दे रहे हैं। कहाँ सुविधा देता तो हम लोग क्यों आते इतना? तो सरकार से आपको डिमांड कुछ अपील करना चाहेंगे कि ताकि ये दिक्कत जो है वो कम हो, आप लोगों को पैदल ना जाना पड़े, ट्रेन वगैरह चालू। आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हो? सरकार से हम क्या करेंगे, यही करेंगे कि सुविधा कर दें, जो ट्रेन चालू कर दें, हम लोग सुविधा कर दें कि हम लोग आराम से जिए।